सबको राधे राधे। आज हम बनाते हैं एक बहुत ही स्पेशल बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट मैगी पास्ता विद वेजिटेबल्स। इसके लिए मैंने प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, दो हरी मिर्च सबको अच्छे से काट लिया है। फिर इसमें जीरा डाल के मैं करती हूँ प्याज को फ्राई। और ये बच्चों के डिमांड पे आज बना है ये नाश्ता, बहुत ही अच्छा लगा सबको। आप भी एक बार ज़रूर बनाना, एकदम सिंपल तरीके से जैसे बनाया मैंने बिल्कुल आप वैसा बनाओगे, बहुत ही टेस्टी लगेगा। प्याज हमारी हो चुकी है हल्की सी गुलाबी, हम इसमें डालते हैं शिमला मिर्च तो हम अच्छे से चलाते हैं इसको 2 सेकंड के लिए। फिर हम इसमें डालते हैं टमाटर और 2 हरी मिर्चें, हम इसको फ्राई कर लेंगे तो ये अच्छे से गल जाएगी। इसमें हमने डाला है टमाटर को भी हम अच्छे से चलाएंगे। फिर हम इसमें डालेंगे बेसिक मसाले जैसे कि हल्दी, मिर्च, नमक, मैगी मसाला। इससे हमारी सब्जियों वाली मैगी पास्ता हो जाएगा तैयार। इसमें हमारे जाएंगे मसाले, इसमें मैं डालूँगी हल्दी और ये लगभग 5 से 7 मिनट में ये तैयार हो गई थी। मैंने पास्ता और मैगी पहले भी बॉईल करके रख लिया है। हल्दी मिर्ची डाली इसमें, मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी, गरम मसाले को अच्छे से चलाएंगे। मैंने और भी रेसिपी डाली है ब्रेकफास्ट की, आप ज़रूर देखिएगा और लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा। और आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या आपने भी बच्चों के लिए बनाया है वेजिटेबल्स मैगी पास्ता। मैंने डाला उबला पास्ता तो हम अच्छे से चलाएँगे। फिर हम इसमें अपनी बॉयल मैगी डालेंगे और उसके बाद हम इसको कम गैस करके भाप में 2 से 3 सेकंड के लिए उसको स्टीम देंगे ताकि ये अच्छे से सब मिक्स हो जाए। फिर हम इसमें डालेंगे मैगी मसाला, मैं इसको अच्छे से मिला रही हूँ ताकि इसमें सारा मसाला अच्छे से मिल जाए। और मैंने कल एक सिंपल रेसिपी डाली थी मसूर दाल तड़का, आप उसको ज़रूर बनाइएगा। करेले मैंने 2 तरीके के बताए हैं, वो भी आप ज़रूर बना के देखिएगा। ये जा रहा है इसमें मैगी मसाला, मैगी मसाला से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सब्जी इसका टेस्ट और भी अच्छा हो गया। हल्का सा नमक डालते हैं फिर से चलाते हैं और ये हमारी मैगी हो गई है एकदम रेडी। इसमें डाला मैंने हरा धनिया जिससे मेरी ये मैगी की रेसिपी पूरी होती है। आप इसको एक बार जरूर बना के देखिएगा, इस तरीके से बहुत ही अच्छी लगेगी और बच्चों को बहुत पसंद आएगी। देखिए कितना प्यारा इसमें कलर आया है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप भी इसको बना के एंजॉय करना। और मैं अपने बच्चों को देखती हूँ इनको कैसी लगी, बट उन्होंने खाई तो उनको बहुत ही अच्छी लगी थी। अब मैं कल पोहा की रेसिपी भी शेयर करूँगी नई तरीके से, आप जरूर कल का ब्लॉग देखिएगा। और छाछ की रेसिपी, शरबत की रेसिपी, सभी कुछ है, आप ज़रूर एक बार देखिएगा। देखिए कितना अच्छा इसमें कलर आया है और आप भी ज़रूर बना के देखिएगा। सबको राधे राधे।